नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। तो यहाँ पे मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आज का कैसा मार्केट रहा, उसका सेटअप कैसे बना और क्या सेटअप बना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट सेटअप बताने वाला हूँ जो कि हमारे बहुत अच्छे सेटअप बन चुके हैं और इसमें लगभग लगभग हमने 50 हमने ट्रेड ले चुके हैं, मतलब हमने 50 ट्रेड ले लिया है इन दोनों ही सेटअप में। और ये दोनों ही सेटअप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये जब भी बनते हैं तो बहुत अच्छा बनते हैं। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके भी बता दूंगा। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी सेटअप बनने के लिए मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होती है, साइडवेज मार्केट में कोई भी सेटअप काम नहीं करता है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा एक लर्निंग ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ हमारा लर्निंग ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे देता हूँ। ये हमारा वन मिनट, ये हमारा लर्निंग ग्रुप है 8968 6242 5203। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, कॉल लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है लर्निंग ग्रुप से जुड़ने के लिए, 8962425203 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डायरेक्टली हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारी लर्निंग क्लास पर डे 9 o'clock रहती है, तो आप भी इस क्लास में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, आपके जो डाउट्स हो वो डाउट्स पूछ सकते हैं। और डायरेक्ट क्लास में जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ वो स्ट्रेटजी आप सीखने समझने के बाद जो आपके डाउट्स हैं, अदर डाउट्स भी जो आपके होते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं और उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए मैं आपको आज का सेटअप कैसा बना, कौन सा सेटअप बना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट में 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करके ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार लगा लेता हूँ और देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना बेहतरीन और कौन सा सेटअप बना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे आज यहाँ पे ओपन होता है इस कैंडल में और इस कैंडल में ओपन होने के बाद यहाँ पे लगभग आधा घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे आया, चूँकि अब ये हमारा यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे 884 के आसपास, लेकिन यहाँ पे हमने एक लेवल भी दिया था कि 43,000 के पास अगर सस्टेन करता, थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा 5-10 मिनट यहाँ पे व्यतीत करता है तो मार्केट डाउन साइड जाने का, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे हर बार हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि हम जो भी मोमेंट नेक्स्ट डे का प्रिडिक्ट करते हैं वो यहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। यहाँ पे कल क्या हुआ था कि मार्केट आप देखो 2 दिनों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट हुई थी, यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ था 2 दिनों के अंदर। अब यहाँ पे नीचे ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन ड्रॉ करके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया था मार्केट ने और ये नीचे सपोर्ट लेवल है, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो हमारा ऐसा प्रेडिक्शन था कि आज भी मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगा और नीचे जाके यहाँ से वापस कहीं से रिवर्स होकर और ये फिर सपोर्ट लेके फिर कोशिश करेगा ये इसे ऊपर साइड जाने का, लेकिन आज मार्केट ने हमारे प्रेडिक्शन को पूरी तरह उल्टा कर दिया। और इसीलिए बोलते हैं शेयर मार्केट, आप जो प्रेडिक्ट करते हो न्यूज़ में जो चलता है उसके अगेंस्ट भी कई बार चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सर्टेन नहीं होता है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ओपन होने के बाद धीरे 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 करके ऊपर साइड ही जाता रहा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बना उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके इस कैंडल में ओपन होके थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद क्या किया मार्केट ने, क्या सेटअप बनाया, देखिए आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, मैंने अपनी सारी क्लासेस में आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है। देखिए जब भी मार्केट इस तरह का मूवमेंट करे, किस तरह का मूवमेंट करे कि ये पैटर्न आपको देखना है, हमेशा आप ये पैटर्न देखिए, ये इस तरह का पैटर्न बनाए तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दे के जाता है। दूसरा एक चीज़ और, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ये ऐसे, तो शायद और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको
ये किया तो देखिए मार्केट यहाँ पे अगर कल से देखें तो कल से मार्केट कंटिन्यूसली धीरे 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 करके यहाँ पे गिर रहा था, गिर के यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी और यहाँ पे मार्केट सेम लेवल पे आज ओपन हुआ। और सेम लेवल ओपन होने के बाद यहाँ पे लगभग आधा घंटा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ये नीचे गया, नीचे जाके थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे करके ऊपर आया। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी, कोई हमारे अटेंडी ज्वाइन करते हैं रामदास जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने ये लाइन इसलिए ड्रॉ करी है, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे दूसरी बार ये इसके लिए एक प्रकार का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी, तो ये लाइन ड्रॉ करने से ये हमें पता चल रहा है कि इस लेवल पे आने के बाद या इस लेवल पे आने के पहले मार्केट ऐसा कुछ कर दे जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि मार्केट अब जो है ऊपर साइड जाने वाला है। अगर इस लेवल को छू के नीचे साइड आ जाता है तब तो फिर ये एक जोन बना रहा था, ये ट्रैपिंग जोन कह सकते हैं। हमने अपने ग्रुप में एक लेवल भी दिया था, जो लेवल दिया था हमने 43,900 का कुछ लेवल दिया था, शायद 900 से 44,088 का लेवल हमने दिया था। वो इसीलिए दिया था कि अगर ऊपर साइड मार्केट जाता है, आप लोग चाहें तो ग्रुप में जाके देख सकते हैं, ये मैसेज पड़ा होगा, ठीक है ना। मैंने यही लेवल दिया था 43,900 का, नीचे साइड का दिया था और ऊपर साइड का मैंने दिया था 44,088 का। तो 88 मैंने इसीलिए दिया था कि यहाँ पे आप देखोगे ना एग्जैक्टली इस लाइन पे देखो, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे 76 और ये फिर दो चार पॉइंट, ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे मैंने आप कर्सर ले जा रहा हूँ, आप वहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में ये 88 दिख रहा है आपको, 44,088 है ना। तो इस लेवल पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली कि भैया ये हमारे लिए एक प्रकार का रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लाइन। तो यहाँ पे आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार भी यहाँ पे हिट किया उसने। अब जब चार बार हिट कर देगा तो जैसा कि मैं आपको अपनी हर एक क्लास में बताता हूँ कि जब आप दीवार पे लगातार एक ही जगह पे हिट करने लगोगे, हथौड़ा मारोगे, तो दीवार तो टूटनी है, एक बार नहीं टूटेगी, दो बार नहीं टूटेगी, तीसरी बार टूट जाएगी या कि चौथी बार टूट जाएगी, चौथी बार भी नहीं टूटी तो पाँचवीं बार तो टूट ही जाएगी। बस हमको ध्यान ये रखना कि दीवार हमारी कौन सी बार पे वो टूटती है, ठीक है ना। सेम लेवल पे अगर बार बार हिट हो रहा है, कुल मिला के मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक एग्जांपल मैंने दीवार का आप लोगों को बताया। तो मैंने ये लाइन जो ड्रॉ करी, उस लाइन ड्रॉ करने का पर्पज़ यही था कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी कि जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लेते हो कि ये रेजिस्टेंस लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ड्रॉ करने के पहले, ड्रॉ करने के जे हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल के पहले जब कभी आपको इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे जाए कि ये इस तरह कुछ बने, सॉरी गलत हो गया, देखिए ये फिर से बनाता हूँ, ये जब कुछ इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे, ये गया यहाँ पे और वहाँ पे ये इनसाइड कैंडल आप देख रहे होंगे, या इसको जूम आउट करूँगा मैं दिखाऊँगा आप लोगों को इसको डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए। जब इस तरह का मूवमेंट हो जाए, ये ऐसे नीचे आए और फिर नीचे आके जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करते से ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब कभी आप लोगों को जो हमारे क्लास में अभी ज्वाइन किए हुए हैं, हमारी संडे की जो क्लास थी, मैंने उस पर भी सेम पैटर्न, लगभग तीन पैटर्न आप लोगों को, तीन या चार पैटर्न सेम टू सेम पैटर्न बनते हुए दिखाया था कि जब भी कभी इस तरह का पैटर्न बने तो आप लोग बेहिचक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, उसमें लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं, बहुत कम। यूँ मान के चलो कि 100 में से 90% ये स्ट्रेटजी आपको 100% प्रॉफिट दे के जाएगी। 10% का मैं नहीं कह सकता क्योंकि शेयर मार्केट है, ठीक है। कई बार ये उल्टा भी आ जाता है, लेकिन अभी तक मैंने उल्टा आते हुए देखा नहीं। मैंने अभी जब से मैंने इस स्ट्रेटजी पे काम करना चालू किया है तो ये मुझे हमेशा प्रॉफिट दे के ही गई है। और यहाँ पर आप देखो, ये हमारे जैसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है वैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनना चाहिए। इसको जूम आउट करके मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा शायद क्लियर दिखे, हो सकता भी कम दिख रहा हो। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब शायद क्लियर दिखे, इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ पे ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये वाली कैंडल, ये ऐसा कुछ बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये ऐसे गया और ये जाके ऐसे आया, फिर ये इस कैंडल पे
यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है इसी इसी ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो इसी कैंडल में जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो आप देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के लिए भी मैंने एक चीज़ बता रखी, 10 EMA, 10 EMA है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोटेंशियल का हमने 10 बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट कर रखा है कि जब ये कभी बीच में एक रेड कैंडल बनती है तो आपको ये कन्फर्मेशन दे रही होती है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है। एक ही कैंडल बनना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल में आपका रेड कैंडल का जो है हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हालांकि इसने थोड़ा सा ही ऊपर इसके दिया है पर उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। और आपको ये इनसाइड कैंडल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि जब कभी आपको इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे, इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। ये हमेशा मेरा ये फेवरेट होता है, मैं इस तरह में बिल्कुल नहीं चूकता हूँ। अगर मैंने एग्जैक्टली पॉइंट पे पकड़ लिया है, मैंने देख लिया, मेरी नज़र पड़ गई है तो मैं इसको बिल्कुल ट्रेड कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। एक ये भी कंडीशन रहती है। अब इसके बारे में बताऊँ, इनसाइड कैंडल जो होती है हमारी, इनसाइड कैंडल में आपको तो यहाँ पे एक कैंडल, जैसे एक बड़ी कैंडल बनी ग्रीन वाली, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन जाए जो कि इसी कैंडल के नीचे बनी हो, इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ना दिया हो, और अगर साथ में अगर यहाँ पर मान लीजिए एक और कैंडल बन गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल कन्फर्मेशन हो गया। बस इस इनसाइड कैंडल में हमें ये ध्यान रखना रहता है कि ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है, इस बड़ी कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडल का। अगर ये बड़ी कैंडल के अंदर एक कैंडल बन जाए या दो कैंडल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और फिर नेक्स्ट कैंडल में जब भी ये हमारे ये रेजिस्टेंस लेवल को जब भी ब्रेक करेगा, जिस कैंडल में ब्रेक करेगा वहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यह हमें हमेशा अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। अगर किसी ने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का भी ट्रेड ले लिया तो भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। सेकेंडरी हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो फिर से यहाँ पर आप देखोगे ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, लेकिन अब आप बोलोगे कि ये जो कैंडल ग्रीन बनी हुई है इसका लो तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं हमारी एक दूसरी स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता दी जो कि इनसाइड बार कैंडल का, हमारा इनसाइड कैंडल का यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इनसाइड कैंडल है ना, यहाँ पर इनसाइड कैंडल में हमने पहला ट्रेड लिया, क्योंकि वाजिब सी बात है अगर हमने यहाँ पे इसको बाय किया है तो यहाँ तक जाने में क्या होता है कि जब ये रेड कैंडल बनेगी फिर दूसरी भी रेड कैंडल बन जाएगी तो फिर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पे फिर इस कैंडल का वेट नहीं करेंगे कोई भी हो, ठीक है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। तो यहाँ तक का प्रॉफिट लेने के बाद अब दूसरी स्ट्रेटजी समझिए। दूसरी स्ट्रेटजी है हमारी जो फिबोनाची होता है, सबको पता होगा फिबोनाची क्या होता है, अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से हम एक टूल यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उस पर भी तीन स्ट्रेटजी होती हैं, हमारी चौथी खुद की ईजाद की हुई स्ट्रेटजी है जिसका नाम है FRGT, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसका नाम है, और GT हमने हमारे YouTube चैनल का नाम दे दिया है, G फॉर गांव वाला, T फॉर ट्रेडर, गांव वाला ट्रेडर जो हमारे YouTube चैनल का नाम है, हमने इसका नाम दे दिया है FRGT, ठीक है। तो अभी मैं FRGT के भी आपको दो चार एग्जांपल यहां पे दिखाऊंगा और इनसाइड कैंडल के भी दो चार यहां पे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएं। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप वीडियो के तो उसमें आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूं मैं, किसी भी व्यक्ति को यहां पे ट्रेड लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, किसी भी प्रकार का सजेशन मेरे द्वारा नहीं दिया जाता है। दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज़। यहाँ पे जो हमारी क्लास में भी जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको भी बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड सजेशन नहीं देता हूँ, ओनली लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए और अर्न करते रहिए। ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपका लुकआउट है, मेरा नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरी स्ट्रेटजी बताता हूँ FRGT। अब FRGT के लिए क्या करना रहता है कि आपको यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जाके, ये फिब रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर जो हमारा लोअर पॉइंट है, जो हमारा आज का लोअर पॉइंट था वो ये था, यहाँ से ले जाके हमने यहाँ पे इसको पहले यहाँ तक ड्रॉ किया, हमें ये लगा कि मार्केट ये हमारी पहली जो
कंडीशन है FRGT के लिए, कम से कम FRGT समझिए, कोई सा भी हमारा सेटअप समझिए, कोई सी भी सेटअप के लिए मुझे जो है 200 से 250, मैं जितनी भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, जो भी सेटअप बताता हूँ, उसके लिए पहली कंडीशन ये होती है मार्केट का मूवमेंट 200 से 250 पॉइंट होना चाहिए। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, सारे वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ें बताता हूँ कि सबसे पहली जो कंडीशन होती है हमारी कोई हमारा सेटअप लगाने के लिए, उसमें मिनिमम जो मूवमेंट है वो 200 से 250 पॉइंट का होना ही होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा सेटअप काम करेगा। और वो सेटअप काम करेगा तो ज़बरदस्त काम करेगा, रिटर्न होने के चांसेस नहीं है कि आप, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका लॉस नहीं होने देगा अगर आपने सही जगह एंट्री करी है तो। अब आप सोचो कि एंट्री आप रनिंग किसी रनिंग कैंडल में एंट्री कर लो और बोलो सर जी हमारा तो नुकसान हो गया, तो वो फिर आपका लुकआउट रहेगा, आप देखो कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हो। ठीक है, तो चलिए मैं FRGT के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसा कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता गया तो मैंने यहाँ पे देखा ये जो 836 है, 836 से लेकर और जो यहाँ तक का मैंने ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे आ रहा है 168, तो यहाँ पे कितना हुआ, लगभग 300 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हो चुका था। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पे रुके, मेरी FRGT जो स्ट्रेटजी है उसके लिए मार्केट का रुकना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मार्केट जाके कहाँ रुका, यहाँ पे रुका इस कैंडल में, ये जो वाली रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल का मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे जो इसका हाई था यहाँ पे ले जाके इसको मैंने इसके लोअर पॉइंट को ले जाके इसके हाई पॉइंट से मिला दिया। अब हमारी FRGT जो स्ट्रेटजी है उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम तो इसको दोनों साइड यूज करते हैं। दोनों साइड कैसे यूज करते हैं, अब जैसे मैंने ये लोअर पॉइंट से ले जाके इसके हाई पॉइंट को यहाँ पे मैच कर दिया, मैच करने के बाद अगर मार्केट नीचे साइड आ जाता है, तो ये 38% यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेवल, 38% 38% पे हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट। ठीक है, किस साइड के लिए, जब यहाँ पे मार्केट अगर जैसे यहाँ से पलटा था, यहाँ से रिवर्सल लेके और यहाँ पे आता 38% पे, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता पुट साइड के लिए। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, पुट। ठीक है, यहाँ पे पुट लेते, लेकिन अब मार्केट और हमारा जो SL पॉइंट होता वो हमारा 23% होता, ये हमारा क्या होता, SL पॉइंट, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये हमारा SL पॉइंट होता, ये हमारा SL पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ नहीं किया, सादा सिंपल से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, कोई हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की कोई सेटिंग भी नहीं करी, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की उसी सेटिंग में ही हमने अपना जो तरीका है वो यहाँ पे लगा दिया और उसका नाम दे दिया FRGT। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट ये इसी कैंडल से यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आता जाता और ये 38% को क्रॉस करता तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, पुट साइड चले जाते और हमारा जो SL होता वो यहाँ पे 23% पे होता। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब कंडीशन क्या बनती है भैया, कि हमारे सेटअप के लिए बता रहा हूँ, FRGT के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FRGT ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका नाम पता रहे, FRGT। ठीक है, देखिए अब हमारी कंडीशन क्या कहती है, पहली बार यहाँ पे टच होना चाहिए, जो हमारा जीरो लेवल है, ये जो हमारा जीरो लेवल है ये पहली बार, तो जैसे यहाँ पे टच करा तो टच कर दिया हमारी, यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है, कि पहली कैंडल अगर इसको ब्रेक कर देती है तो भी अच्छा, नहीं करती है तो दूसरी या तीसरी कैंडल में, या कि और ज़्यादा यहाँ पे मान लो टाइम पास करता मार्केट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी कंडीशन सिर्फ ये बनती है कि जब भी नेक्स्ट, जब भी कोई भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करे, इस लेवल को या प्रीवियस लेवल को जो हमारा हाई लगा है, उस हाई को जब भी कोई कैंडल ब्रेक करे वो कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही एक झटके में उसको क्रॉस कर दे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और दूसरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया और जैसे ही ब्रेक किया तो हमारे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, सीधा सा फंडा है। और कंफर्मेशन चाहिए, अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हो, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड मिस कर दिया तो आप दूसरी कंडीशन ये भी ढूंढ सकते हो, ये वाली जो हमारी ये वाली कंडीशन है, ये 10 AM वाली लाइन है, ये आपको कंफर्म कर रही है कि मार्केट और ऊपर ही जाने वाला है। ठीक, तीसरी कंडीशन आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आपको
ऐसे ड्रॉ करके, और जैसे इसका हाई ये ब्रेक हाई ब्रेक करे वैसे आप यहाँ पे ट्रेड मार दो, तो भी आपको यहाँ पे आप देखो यहाँ तक का मोमेंट मिला आपको। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मारा तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक का मिला, अगर यहाँ पर भी मारा तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट मिला। तो आपको अगर परसेंटेज वाइज वो पॉइंट वाइज देखना है, तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड मारा तो 322 से लेकर और यहाँ पे 568 लगभग लगभग दो सौ पॉइंट का यहाँ पे लगभग आपको प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पे भी मारा तो भी आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है, बड़ी सादी सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है, सीधा सा फंडा है। हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, 38% पे अगर क्रॉस करता है तो पुट साइड जाना है, अगर 38% को अगर क्रॉस नहीं करके ऊपर साइड चला जाता है मार्केट, तो हमें इस लेवल का वेट करना है कि इस लेवल पे जब भी आए तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करे। और हमारा जो SL, जैसे हमने बताया कि ये हमारा क्या होता है एंट्री पॉइंट, मतलब ये जीरो जो लेवल होता है हमारा, ये क्या हो गया एंट्री पॉइंट हो गया FRGT के लिए। ये हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ एंट्री, यहाँ पे एंट्री हो गई, और यही जो 23% है, 23% हमारा हो जाएगा SL, 23% हमारा SL हो जाएगा। अब आप देखो अगर पॉइंट वाइज देखो तो यहाँ पे यहाँ पर क्या है 323 और यहाँ पे 208, लगभग आपको 100 सवा 100 पॉइंट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमको SL मिल रहा है। लेकिन 100 सवा 100 पॉइंट का SL देके आपको यहाँ पे 200 250 पॉइंट का यहाँ पे क्या मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी क्षमता नहीं है भैया, आपको 100 पॉइंट का SL नहीं लेना है, तो आप इसके लिए SL जो है ये प्रीवियस कैंडल लगा दो, प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे SL ले लेंगे, सादा सिंपल, ज़्यादा SL नहीं लेना चाहते हो। लेकिन अभी तक हमारी FRGT, आपको बता दूँ FRGT ने अभी तक मुझे धोखा नहीं दिया है। जितनी बार भी FRGT में मैंने ट्रेड लिया है उतनी बार FRGT मेरी सक्सेस हुई है। आप लोग भी आपके सेटअप पे बिलीव कीजिए और ट्रेड लीजिए, तो ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इन दोनों सेटअप को जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, इसके 2-3 एग्जांपल और बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि हाँ बात सही है। और आप लोग भी अगर बिलीव नहीं हो तो बैक टेस्ट करके देख लेना, और बैक टेस्ट करना, फ्रंट टेस्ट करके आप जो है ट्रेड लेना, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारा FRGT बन रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा, इसका लोअर पॉइंट ये था, और हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि मार्केट रुकना चाहिए और उसके लिए 200 पॉइंट होना चाहिए, कम से कम 200 से 250 पॉइंट। तो अब आप यहाँ पे देखो मार्केट है 44,200 के लेवल पे, 203 पे है, और मार्केट यहाँ पे जो ये रिजेक्शन लेता है यहाँ पे लेता है 44,438, मतलब 238 पॉइंट का, 238 पॉइंट का यहाँ पे इसने हमें मूवमेंट दे दिया है। मूवमेंट दिया यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो 0% वाली जो लाइन है जहाँ पे रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ही ब्रेक होना चाहिए। छोटी मोटी, जैसे ये छोटी मोटी कैंडल बनी है, ये छोटी मोटी कैंडल से ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्रॉस करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए। ये इस कैंडल ने यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, सेम पैटर्न रहेगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट और ये 23% हमारा SL पॉइंट, ठीक। अब एक चीज़ और बता दूं, यहीं पर भी दूसरा सेटअप भी हमारा बन रहा है। अगर आप देखोगे तो देखो दूसरा सेटअप जो पहले बताया था, कहाँ गए भैया, हाँ दूसरा सेटअप देखिए, हमारा दूसरा सेटअप कैसे बन रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ये ऐसा कुछ बनाया, भले यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया है, ये ऐसा कुछ बनाया, ये बनाया, और ये आप यहाँ पे भी अगर ऐसे ड्रॉ करते जाओ तो ये हमारा रिजेक्शन लेवल है, ये रिजेक्शन लेवल है, और यहाँ पे आप देखो ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो इस कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना था, जो कि अच्छा खासा मूवमेंट देके गया, जो कि हमने इसको
यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे नहीं पकड़ा तो यहाँ पे हमारा FRGT पकड़ सकता है। दोनों ही चीज़ें आपको दो सेटअप मिले, यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने इनसाइड कैंडल का ट्रेड मिस कर दिया है तो आपके पास दूसरा चांस है हमारा FRGT बनने का। FRGT बन गया तो आपको, और अगर FRGT नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे साइड आता है तो फिर हम फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारा 38% पे पुट साइड चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हम दोनों साइड के लिए रेडी हैं। ओवरऑल वी आर ट्रेडर्स, हमें प्रॉफिट चाहिए चाहे जहाँ से भी आए। बस ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी कोई भी सेटअप आपको SL दे रहा हो, आपका लॉस हो रहा हो, लॉस में आपको जल्दी निकलना है और प्रॉफिट में आपको बने रहना है। ठीक है, और भी एक आध एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या आप लोग जल्दी बिलीव नहीं करते हो ना, तो बिलीव करवाना आप लोगों को ज़रूरी है। ये देखिए, अब आपको दिखाऊंगा तो आप लोग क्या है कि मानोगे ही नहीं कि ऐसा कुछ बन रहा है कि बन सकता है। श्री राम जय राम, थोड़ा थोड़ा ये भी भजन आपको सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या सेटअप बन, कमेंट करके बताइएगा क्या सेटअप बन रहा है। ये यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा क्या सेटअप बन रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, या यूँ समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक मार्केट 2 दिनों तक क्या किया था, एक चैनल में फंसा हुआ था और फिर चैनल को ब्रेकआउट किया था। तो पिछले क्लास में बताया भी था कि जब कभी इनसाइड कैंडल बार बनती है तो या तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके पहले ही बन जाएगा या कि उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, चलो और आगे भी आपको एक सेटअप बताता हूँ। इन दोनों जो भी सेटअप आपको बताऊँ ना, तो आप बस उसमें क्या करना कि कमेंट करना, कमेंट क्या करना है कि हाँ बना कि नहीं बना कि क्या बना, उसके बारे में आप लोग वहाँ पे बताएंगे मुझे। ठीक है, तो और आगे ले चलता हूँ आपको, और भी जगह बना हुआ है। बस ये है कि कोई भी सेटअप आप बोलोगे कि ये ढूंढते जा रहे हैं ढूंढते जा रहे हैं, अरे भैया ढूंढना ही तो है, हमें ढूंढना ही है मार्केट में, हम ढूंढने ही तो आए हैं। क्या ढूंढने आए हैं भैया? प्रॉफिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, अब इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बना हुआ है, कौन से उसमें हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, एक ये बना हुआ है, दूसरा ये भी हमारा एक सेटअप ही है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे पहले भी मैंने किया हुआ है इसलिए नहीं करूँगा। आपको जो हमने अभी बताया है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, बताइएगा क्या बना हुआ है और क्यों बना हुआ है। और यहाँ पे तो आप देखो दोनों साइड का बना हुआ है, देखो ये बना ये बना, और जैसे ब्रेकआउट किया तो कॉल साइड। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, ये लोअर पॉइंट को यूँ हमने ले जाके खींच के रख दिया इसके हायर पॉइंट को, और देखिए जैसे 38% पे ब्रेक यहाँ पे हुआ वैसे हमने ट्रेड मारा और यहाँ से यहाँ तक का हमने पुट साइड का भी प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो बस इतने एग्जाम्पल बहुत है यार, मुझे लगता है 15-20 मिनट का वीडियो बन गया होगा, पर्याप्त है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के मिलते रहें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलती रहें, है ना। आपके जो दोस्त ट्रेडिंग सीखना चाहते हों तो उनको भी ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हो कि भैया अच्छी चीज़ मिली हमें मार्केट में, तो आप भी सीखो समझो और कमाओ। बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सिखाना ही मेरा काम है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों को जिन्होंने पूरा टाइम दे के इसको वॉच किया है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।